तो हेलो गाइजर, आज के इस ब्लॉग गाइजर आप लोग भाई परेशान हो कि भाई मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे है जो गाइजर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है और बहुत ही भाई बहुत ही ज़्यादा 5 सेकेंड का, 10 सेकेंड का, 30 सेकेंड का, भाई बहुत 1 मिनट का भी एडवर्टाइजमेंट है जो आपके फ़ोन पे आ रहा है और भाई आप डिस्टर्ब हो रहे हो। आप चाह रहे हो कि भाई मैं उसको बंद करना चाहता हूँ, भाई मैं इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। तो गाइज यार, जो आपको मैं ट्रिक बताऊँगा उससे गाइज यार आप है जो अपने फ़ोन के एडवर्टाइजमेंट है जो बंद कर सकते हो भाई बहुत ही आसानी तरीके से। कुछ करना नहीं गाइज यार, जो भी आपको ट्रिक मैं बताऊँगा उसको गाइज यार आप फॉलो करते हो तो आपका जो भी फ़ोन में एडवर्टाइजमेंट आता है गाइज यार, जो भी स्क्रीन एडवर्टाइजमेंट आता है वो आप है जो इजीली बंद कर सकते हो। तो गाइज उसके लिए कुछ करना नहीं गाइज यार, बस जो भी आपको स्टेप बताऊंगा वो फॉलो करना भाई विदाउट स्किप के, क्योंकि भाई बहुत लोग स्किप कर देते वीडियो कि भाई समझ नहीं आया, उसके बाद में कमेंट करेंगे भैया समझ नहीं आया तो भाई फिर से बताओ। तो भाई आपको पहले है जो वीडियो पूरा देखना है, ओके वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको है जो अच्छे से समझ में आएगा, और भाई समझ में आएगा तभी तो आप है जो अपने फ़ोन का है जो एडवर्टाइजमेंट का जो ऑप्शन आ चुका है या आप जो वो एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन को ओपन कर दो, उसको आप बंद कर दोगे गाइजर तो आपके फ़ोन में जो भी स्क्रीन एड्स आ रहे हैं जो भी वो है जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा हमेशा के लिए, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो गाइजर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करना है, लेकिन भाई स्टेप जो भी बताऊँगा वो आपको फॉलो करना है तभी है जो आप है जो अपने मोबाइल में गाइजर परमानेंटली है जो मतलब हमेशा के लिए वो एडवर्टाइजमेंट का जो भी आपके मोबाइल में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है वो आप हमेशा के लिए बंद कर सकते हो। ओके तो चलो गाइस यार वीडियो स्टार्ट करता हूँ, लेकिन हाँ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, प्यार से कमेंट जरूर करना क्योंकि ऐसा इंटरेस्टिंग टाइप का वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलो गाइस यार वीडियो स्टार्ट करता हूँ। गाइज यार अभी है जो तबाह हो चुके गाइज यार कि आपके फ़ोन पे है जो भाई एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। तो गाइज यार आप है जो एडवर्टाइजमेंट बंद करने के लिए सबसे पहले क्या करना है गाइज यार, यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउज़र पे सिंपली ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मेरा क्रोम ब्राउज़र, सिंपली क्रोम ब्राउज़र आपको ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद गाइज यार यहाँ पे देख सकते हो मेरे यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आपको गाइस यार 3 डॉट मिल रहा है, सिंपली आपको 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है। 3 डॉट पे सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सेटिंग का आपको ऑप्शन मिला होगा, सेटिंग के पे सिंपली क्लिक कर लेना है। सेटिंग पे सिंपली क्लिक करने के बाद गाइस यार यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आना है। धीरे धीरे नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है साइट सेटिंग, ओके सिंपली साइट सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। ओके साइट सेटिंग पे सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइजर एक आपको ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा नीचे आओगे थोड़ा नीचे सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एड्स ब्लॉक ऑन सम साइट्स, सिंपली इसको पे आपको क्लिक करना है। इसको गाइजर अगर ये ओपन रहता है गाइजर इस टाइप का, अगर ये ऑन रहता है यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ रहता है तो गाइजर इसका मतलब कि आपका है जो एडवर्टाइजमेंट है जो आपके फ़ोन पर अलाउ है। तो आपको क्या करना है गाइजर इसको बंद कर देना है। इसको गाइजर आप बंद कर दो तो गाइजर आपके मोबाइल पर जितने भी एडवर्टाइजमेंट आएंगे सारे एडवर्टाइजमेंट है जो बंद हो जाएंगे, उस पे से आपका जो भी मतलब कि स्क्रीन का एडवर्टाइजमेंट आ रहा वो भी है जो आपके फ़ोन पे नहीं आएगा, वो एडवर्टाइजमेंट है जो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ओके अगर बाई चांस फ्यूचर में कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि फिर से आपका एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाता है या चालू हो जाता है आपके फ़ोन पे, तो गाइजर ये वाले सेटिंग पे आपको आना है, ये सेटिंग बंद कर देना है तो आपका गाइजर जो भी एडवर्टाइजमेंट रहेगा वो है जो सिंपली बंद हो जाएगा। ओके तो ऐसे करके गाइजर आप है जो एडवर्टाइजमेंट बंद कर सकते हो। ओके तो चलो गाइस यार आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो पैसा लाइक कर देना, पैसा सब्सक्राइब और कमेंट जो करना क्योंकि ऐसा इंटरेस्टिंग टाइप का वीडियो लेके आते रहता हूँ। ओके तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।